मुहूर्त निकला था कि इस डेट मुहूर्त कर रहा है, लेकिन आप हमारे कास्टिंग अभी स्टार्ट हुए, जोरों में स्टार्ट हुए, जितने भी लोग रहेंगे वो सभी सारे मार्केट के लोग रहेंगे और एक दो एक्टर हैं जिनको अभी हमने कंसिडर किया है, उनसे हमारी बातचीत चल रही है और होपफुली दो तीन फिल्म दंगे को लेकर है कुछ है, सहारनपुर की कहानी इस तरह की जानकारी है? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं ऐसा, बिल्कुल रॉम कॉम है कि एक लड़की की कहानी है जो बिल्कुल चुलबुली बबली सी करेक्टर है और उस करेक्टर का एक खासियत क्या है कि जब भी कोई किसी तरह की मुसीबत होती है उसको वो हेल्प करती है और उसका हेल्प करने का अंदाजे में कुछ ऐसा होता है कि पूरे एरिया में तमंचे और दुल्हनियन के नाम से जाने जाते हैं। फुल थ्रू एंटरटेनिंग फिल्म है, लोगों को मज़ा आएगा। महिलाओं को किस तरह से दिखाया गया इस फिल्म में, गलत तरीके से भी दिखाया गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब हमारी फिल्म का टाइटल ही तमंचे दुल्हनियन है, वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है, दिस इज फीमेल ओरिएंटेड फिल्म। इस फिल्म से हमने जो हमारे समाज में बहुत जगह ऐसा होता है कि आप किसी कारण से किसी की शादी रुक जाती है, दहेज का कारण होता है, समाज का कारण, तो एक उसके अगेंस्ट जाकर आप बोल सकते हैं ना कि एक एनजीओ काम कर रहा है जो कुछ लोगों की खबर लेता है और लोगों की जो ऐसी लेडीज हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही उसमें हेल्प करती है। ये सच्ची घटना में है फिल्म? सच्ची घटना नहीं कर सकते, सब फिक्शनल स्टोरी, बट कोई भी स्टोरी होती तो कहीं ना कहीं समाज के किसी हिस्से से उठाई हुई, आप कह सकते हैं पार्ट ऑफ द फिल्म इज रियलिस्टिक और पार्ट ऑफ द फिल्म फिक्शनल। तो कब तक ट्रेलर लॉन्च हो जाएगा कुछ बताना चाहिए? जैसे हम मुहूर्त कर रहे हैं और हम नेक्स्ट मंथ हम फ्लोर पर जाएंगे, देन मोस्ट ऑफली अगस्त में हमने उसकी ट्रेलर लॉन्च करेंगे। स्टार कास्ट कौन कौन है फिल्म में अभी तक? सिर्फ एक स्टार कास्ट है, अभिनीश जी नाम होगा जिन्होंने फाइनल किया, बाकी अभी अंडर पाइपलाइन, जैसे उनके कुछ कन्फर्म होते हैं वो हम लोग मार्केट करते हैं। थैंक यू। महिलाओं को लेकर बिल्कुल हमारी एक नेशनल लेवल पर मूवी प्रेजेंट कर रहे हैं, नेशनल लेवल पर मूवी प्रेजेंट कर रहे हैं और महिलाओं को गलत दिखाने का कोई सवाल ही नहीं होता। नाम से ही क्लियर है तमंचे वाली दुल्हनिया, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि शी इज गॉड फादर दूसरी लड़कियों के लिए जो कमज़ोर है, जो थोड़ी सी असहाय है, जो असमानता है, जो परेशान है, जो कहीं ना कहीं दबाई जा रही है, उन सबको बचाने के लिए कोई एक लड़की जो ऑलरेडी शोषित हो चुकी है उसको लगता है कि नहीं मेरी तरह कोई और शोषित ना हो, तब कहीं ना कहीं जाकर के वो तमंचा उठाती है और तमंचे के जरिए सारे सोशल लेवल को कहीं ना कहीं एकदम ठीक वे में लेके जाते हैं। कोई यूपी की गुलाबी गैंग वाली है? कोई यूपी का गुलाबी गैंग नहीं है, कोई कुछ नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं बोलना चाहूँगा कि पूरे भारत में महिलाओं की जो स्थिति है, चाहे आदिकाल का रहा, चाहे मध्यकाल का रहा, चाहे आजकल का रहा, उनको असमानता के दौर से गुजरना ही पड़ता है और आज भी जब उनको गुजरना पड़ता है तो कहीं ना कहीं चाहे यूपी का सर्कल हो, चाहे रांची का सर्कल हो, भारत के किसी भी राज्य में महिलाओं की सारी स्थिति एक समान और सारी स्थिति एक समान होने की वजह से उनको न्याय भी समान मिलता है और इसी संदर्भ में हमारी तमंचे वाली दुल्हनिया अपने एक बंदूक उठाती है, कमंचा उठाती है, उनको न्याय देती है। थैंक यू।